हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा एक बार फिर से आप सबके एक वीडियो में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके पास में HDFC का अकाउंट नहीं है तो आप कौन कौन से बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका अकाउंट HDFC में नहीं है और आप खुलवाना भी नहीं चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको तीन कैटेगरी शेयर करने वाला हूं। तो यदि आप इन तीनों कैटेगरी में किसी भी एक को फुलफिल कर लेते हो तो आपको विदाउट HDFC अकाउंट भी क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं जिनके पास HDFC का अकाउंट है, क्योंकि उनके ऊपर मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूं। तो यहां पर मैं थोड़ा सा रिमाइंडर आपको करवा देना चाहूंगा कि अगर आपके पास में HDFC का अकाउंट है और आप अपना प्री अप्रूव ऑफर चेक करना चाहते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूव ऑफर मिला है या नहीं मिला है, तो आप इस वीडियो को देखकर चेक कर सकते हैं कि आपको प्री अप्रूव ऑफर क्रेडिट कार्ड का मिला है या नहीं मिला है। साथ ही अगर आपको प्री अप्रूव ऑफर नहीं मिला है तो आप HDFC बैंक में किस तरह से किस कंडीशन को फुलफिल करके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको मिल सकता है, वो मैंने इस वीडियो में बता रखा है। तो इन दोनों वीडियोस का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। साथ ही आप मेरे चैनल पर विजिट करके ऐसी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं जिन वीडियोस में मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हुए हैं, जिनको अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं उनकी जिनके पास HDFC का अकाउंट नहीं है तो वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे तीन कैटेगरी में डिफाइन किया है। तो यहाँ पर जो मैंने पहले कैटेगरी में रखा है वो है सैलरीड पर्सन को। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आप HDFC क्रेडिट कार्ड के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। आपकी सैलरी जो है अगर 10,000 रुपए भी है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये बेनिफिट आपको दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में नहीं मिलता है। वहां पर जो मिनिमम सैलरी है 15,000 है और इसके ऊपर अगर आपकी सैलरी होगी तो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। और HDFC में ऐसा नहीं है, अगर आपकी 10,000 रुपए सैलरी है फिर भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप HDFC का कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लोगे 10,000 सैलरी के बेस पे। यहाँ पर कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्रेडिट कार्ड है जो आपको 10,000 सैलरी पर भी मिल सकता है, जैसे कि इंडियन ऑयल में आपको सिर्फ 10,000 अगर आपकी सैलरी आती है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। आपकी एज जो है 21 से 60 के बीच में होनी चाहिए और आपकी 10,000 रुपए सैलरी आनी चाहिए, तो आप इस बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये तो मैंडेटरी है, ये आपको देना ही पड़ेगा। तो आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं, नॉट इश्यू। तो यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो जब आपके पास में एजेंट डॉक्यूमेंट पिकअप करने के लिए आता है तो वहां पर आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो अपनी सैलरी स्लिप है, मिनिमम 3 मंथ का आपको सैलरी स्लिप देना पड़ेगा जो कि करंट वाला हो, उसमें आपको 10,000 सैलरी जो है आनी चाहिए उस सैलरी स्लिप में, तभी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो पाओगे। इसके अलावा यदि किसी और क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई करना चाहते हैं HDFC बैंक का, तो उसके लिए आपको ज्यादा सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी, लाइक 15,000-25,000 आपको सैलरी आती है तो आप दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे कैटेगरी के बारे में। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन नहीं हो लेकिन आपके पास में किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो कोई भी बैंक हो सकता है, एक्सिस बैंक, SBI बैंक या कोटक बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है, तो उसका अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट जो है 40,000 से ऊपर है, साथ ही वो जो क्रेडिट कार्ड है 6 महीना ओल्ड है, तो आप उस क्रेडिट कार्ड के बेसिस पर HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर 99.9% चांसेस है कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। किसी भी बेसिस पर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए सबसे ज्यादा जो मैटर करता है आपका क्रेडिट स्कोर। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है तो आपको इजीली अप्रूवल मिल जाएगा। तो कार्ड टू कार्ड बेसिस अप्लाई करने के लिए आप ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके कार्ड की लास्ट 3 मंथ की स्टेटमेंट आपसे मांगी जाएगी, तो वो आपने देनी है। और एक चीज आपने ध्यान रखना है कि उसमें आपकी अवेलेबल लिमिट जो है 30-40% का होना चाहिए। मींस अगर आपका 1,00,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट है उस कार्ड की, तो आपकी जो उसमें लिमिट है 3 मंथ के स्टेटमेंट में मिनिमम जो है 40+ की रहनी चाहिए, तो आपको इजिली क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड कैटेगरी। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड कैटेगरी के बारे में, जिसे मैंने रखा है सेल्फ एम्प्लॉयड यानी बिजनेसमैन के बारे में। तो अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो और बिजनेसमैन हो और आपके पास में ना ही सैलरी स्लिप है और ना ही कोई क्रेडिट कार्ड है, तो भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट इसके लिए आपके पास में ITR होना चाहिए जो कि मिनिमम 6 लाख के ऊपर का होना चाहिए। अगर आप 6 लाख के ऊपर का ITR फाइल करते हो तो उसके बेसिस पर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपको जो अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, लाइक आपको ITR दिखाना पड़ेगा 3 साल का, और दूसरी चीज जो है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड तो मैंडेटरी है, ये आपको लगेगा ही लगेगा।
तो इस बेसिस पर भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और काफी चांसेस है कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो यदि आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी को फुलफिल करते हो तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हमने चलो तीनों में से किसी एक कैटेगरी में हम आ रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कितनी लिमिट मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए जो जो मैंने कैटेगरी बताई है उसमें अलग अलग आपको लिमिट मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सैलरीड पर्सन हो और आपकी 10,000 रुपये सैलरी है तो उसकी आपको डबल या ट्रिपल लिमिट मिल सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी 10,000 रुपये सैलरी है तो आपको 25,000 से 30,000 के बीच में लिमिट मिल सकती है। और बात करें दूसरे कैटेगरी वाले के जो कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर उनकी जो लिमिट है जो उनके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी, फॉर एग्जांपल अगर उसकी लिमिट 1,00,000 रुपए है तो इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपको 20% इंक्रीज करके मिलेगी, यानी इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1,20,000 की हो सकती है। मैं श्योर नहीं बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकती है या इससे कम भी हो सकती है। अब बात करते हैं जो पर्सन ITR बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं उनकी क्रेडिट लिमिट कितनी हो सकती है। तो जितने भी पर्सन ITR बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं कोई अदर इनकम प्रूफ नहीं देते हैं तो उनकी जो लिमिट है इन दोनों कैटेगरी वाले को लिमिट से कम मिलेगी। बट एक चीज यहाँ पर इनको एडवांटेज मिल जाता है कि अगर ये इसके जरिए खर्च करते हैं और इसके रिपेमेंट जो है टाइमली करते हैं तो यहाँ पर जो उनकी लिमिट है ना बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको 6 मंथ में ही आपको इसकी डबल लिमिट मिल सकती है, ट्रिपल लिमिट भी मिल सकती है। सो अब आप वीडियो के एंड तक आ चुके हैं और आप इन तीनों कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी को फुलफिल कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर काफी हाई चांसेस है कि आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट फैक्टर है वो है आपका क्रेडिट स्कोर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है 750 से ऊपर है और आप इन तीनों कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको इजीली अप्रूवल मिल सकता है। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट वे है मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा और आप कौन से वे का यूज करके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं ये भी जरूर से बता दीजिएगा। इसके अलावा और भी कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा पर DM कर सकते हैं, विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है काफी ज्यादा पसंद आया होगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।